एक गुड़ कमा के देगा महीने के 3 लाख रुपए। आज आपका मैं गुड़ का बिजनेस शुरू कराऊंगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको मार्केट में बहुत ही चुनिंदा लोग कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन प्रॉफिट इतना है जितना आप दुनिया भर याद रखोगे जिंदगी भर। तो क्या बिजनेस है, कैसे है, मैं आज आपको बताऊंगा। आई एम योर कार्तिक दिवानी, योर फेवरेट स्पीकर, आ चुका एक नए बिजनेस आइडिया के अंदर, जिसके अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा गुड़ का बिजनेस करते हैं। भाई साहब एक बार क्या हुआ, एक बार मैं गांव के अंदर गया, ठीक है, और गांव के अंदर जैसे मैं बड़ा पला बड़ा गांव के अंदर हूं, तो होता क्या है, यूपी के अंदर हमारा गांव है, उसके अंदर मैंने नोटिस किया कि गुड़ बड़ा खाया जाता था। फिर मैंने एक दो गांव के अंदर गया, दोस्तों के गांव के अंदर देखा, वहां भी बड़ी डिमांड थी। भाई साहब मेरे शहर के अंदर गुड़ की बहुत ज्यादा डिमांड है, मेरे शहर के यूपी हरियाणा के अंदर अनलिमिटेड गुड़ है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन लोग बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन लोगों को एक ही दिक्कत है, आज भी दिल्ली का बंदा, मुंबई का बंदा, हर बंदा खाना चाहता है, लेकिन समस्या बताऊं क्या है कि सर गुड़ तो खाना चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। यूपी हरियाणा के पास तो कमी ही नहीं है, लेकिन जो बाकी के स्टेट हैं उनके पास कमी है। तो इसके लिए मैंने सोचा एक बिजनेस आइडिया बनाए, और मैंने इंस्टाग्राम पे आया, लाखों में व्यूज आए उसके। अब बात आती है कि आप कैसे बनाओगे, चार चीज बताऊंगा। पहली प्रोडक्ट मेकिंग समझेंगे, दूसरी यूएसपी समझेंगे, तीसरी मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट वो ब्रांडिंग समझेंगे, चौथे इसके लाइसेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, और पांचवा बताऊंगा कि ये फेल होगा या आगे जाएगा, अगर फेल होगा तो किन कारणों से होगा, सब बता दूंगा एडवांस में। अब सुनो पूरी बात, देखो करते हैं पहले प्रोडक्ट बनेगा कैसे। पहले तो आपको गुड़ चाहिएगा, जैसे मैंने बताया गुड़ आपको मिलेगा हरियाणा और यूपी के अंदर, भाई साहब अनलिमिटेड गुड़ मिलेगा, अनलिमिटेड, जिसका कोई हिसाब नहीं है, सस्ते में मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको पहले इसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, कहां से लोगे, गांव के अंदर जाना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी बड़े बुजुर्गों से, कहां बनता है, कैसे बनता है, क्या रेट चल रहा है। हमेशा ज्यादातर जो नया बंदा है वो फेल बताऊं क्यों करता है, वो बिना नॉलेज के आता है धंधे में और सोचता है मैं बाजी मार लूंगा, ऐसा नहीं होता भाई साहब। जितने भी स्टार्टअप फाउंडर है ना, अगर कोई टेक्निकल वाला बंदा, उसने टेक्निकल की फील्ड में बिजनेस किया है, उसको लगभग काफी टाइम का एक्सपीरियंस है, उसने वहां जॉब की है। मैं आपको कह रहा हूँ गुड़ का बिजनेस करना चाहते हो, पहले लोगों में बैठो, बेचने वालों के साथ बैठो, खरीदने वालों के साथ बैठो, कस्टमर के साथ भी बैठो और जो बेचता है उसके साथ भी बैठो, आपको समझ में आ जाएगा ये बिजनेस कितना भयंकर है, ठीक है। अब मैंने बताया प्रोडक्ट बनेगा कैसे, दो चीज लगेगी, पहले गुड़ लगेगा, दूसरी पैकेजिंग लगेगी। भाई साहब अब बात आती है कि गुड़ मैंने बता दिया मिल जाएगा आपको, यूपी हरियाणा में कोई कॉन्टैक्ट होगा उससे कॉन्टैक्ट कर लो, मिल जाएगा। गूगल पे लिखोगे गुड़ सप्लायर फ्रॉम यूपी, आपको मिल जाएंगे। बट मैं आपको सलाह ये दूंगा सॉरी कि यूपी और हरियाणा का कोई जानने वाला है तभी जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। गुड़ वहां से आपको मिल जाएगा बड़े सस्ते के अंदर, प्राइसिंग बहुत कम है इसकी, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है पैकेजिंग। पैकेजिंग इसमें दो तरह की लगेगी, दो में से एक लगा सकते हो, एक लगेगी प्रीमियम पैकेजिंग, एक लगेगी किस तरह की, देखो मैं बताता हूं। ये जैबसन का काजू आता है, ठीक है, इस तरह की अगर आप पेपर वाली पैकेजिंग करा लो, बॉक्स वाली पैकेजिंग करा लो, मैं मानता हूं गुड़ की बहुत अच्छी पैकेजिंग हो जाएगी। अब इसकी जो पैकेजिंग की कॉस्ट आएगी मुश्किल से आएगी 20 से 25 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए की कॉस्ट आ सकती है, कोई बुरी बात नहीं है। मशीन नहीं लगानी, myperfectpack.com पे चला जाना, वहां पे पैकेजिंग की वैरायटीज है। देखो मुझे लोग बहुत सारे कहते हैं सर माई परफेक्ट पैक में थोड़ी बॉस, एक बात बताओ ना, आप मशीन नहीं लगा रहे, आपको कोई बंदा करके दे रहा हूं प्री दे रहा है, कोई टक्कर में है ही नहीं मार्केट के अंदर कि अगर आप प्रीमियम कस्टमर को भी बेचोगे तब भी बिकेगी, तो उस लेवल की पैकेजिंग में थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा प्रॉफिट का, तो 20-30 रुपए की पैकेजिंग आ जाएगी। myperfectpack.com से देख लेना, दो टाइप की पैकेजिंग मैंने बताई, एक बॉक्स वाली, दूसरी जार वाली, कांच के जार आते हैं ना, उनके अंदर आप फिल कर सकते हो गुड़ को, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अब दूसरी सर प्रोडक्ट तो बना, तीसरी एक चीज रह गई प्रोडक्ट बनाने में, वो रह गई लेबलिंग। लेबलिंग के लिए क्या करोगे, प्रिंटिंग हाउस के पास जाओ, या तो अगर आप कांच की कर रहे हो, कांच का जार लिया हुआ है, तो उसके लिए एक है ना स्टिकर बनवा लो, प्रिंटिंग हाउस पे चले जाना, वो स्टिकर बना देंगे, ग्राफिक डिजाइनर से डिजाइन बनवा लो स्टिकर का, मेरे हिसाब से प्रिंटिंग हाउस वाली कर देगा इतना काम, ठीक है। अब प्रोडक्ट तो आपका हो गया बनकर रेडी, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है कि सर उसकी मार्केटिंग, उसको बेचे कहां, सबसे बड़ा सवाल लोगों का, मार्केटिंग ब्रांडिंग बताता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन मार्केट के अंदर मत जाना, क्योंकि डिफिकल्टीज थोड़ी ज्यादा, जिंदगी में ज्यादा धक्के खा लोगे। आप बेचो ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे बेचोगे, आपको बेचना पड़ेगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतना ही बिकेगा जितना फेसबुक पे और यूट्यूब पे बिकेगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों पे अकाउंट बनाओ, और फेसबुक में आपको एक फेस चाहिएगा, वीडियो का फेस, जो प्रमोशन करेगा आपके बिजनेस का। आप बता सकते हो मान के चलो 50 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, प्राइसिंग की भी अगर मैं पहले आपको बता दूं, मार्केटिंग से पहले मान के चलो 50 रुपए का गुड़ है, आपको 50 रुपए किलो पे मिल रहा है, भाई साहब आप इसको 80 रुपए किलो पे बेच सकते हो और कह के बिकेगा। सिर्फ आपको एक शब्द जोड़ना है इसका, वो है क्वालिटी, कि भैया सबसे फ्रेश और क्वालिटी का गुड़ आपके घर मिलेगा,
सीधा कि यूपी हरियाणा से सीधा सप्लाई हो रहा है आपके घर, इस तरीके से प्रमोट करोगे काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, प्राइसिंग मैंने बता दी, लगभग 30-40% का मार्जिन है, हल्का नहीं होता वो 30-40% का मार्जिन, तो मैं मानता हूं बहुत प्यारा बिजनेस है। अब इसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए फेसबुक पे अकाउंट बनाओ, यूट्यूब पे बनाओ, वीडियोस डालो। मैं कह रहा हूं पहले 30 वीडियो बना लो, फेसबुक के लिए 30 वीडियो, यूट्यूब के लिए 30 वीडियो, 30 रील के लिए कॉन्टेंट बना लो, मुश्किल से आपके 3-4 दिन खपत हो जाएंगे, लेकिन बना लो। अब लोग पूछते हैं सर बनाए क्या, भाई साहब इस तरीके से बनाओ, मैं बताता हूं आपको कि क्या गुड़ खाना चाहते हो आप, लेकिन आप हरियाणा से हो नहीं हो, क्योंकि हरियाणा का गुड़ बड़ा फेमस है, यूपी का गुड़ बड़ा फेमस है, तो लेकिन आप खाओगे कैसे, आपके घर के अंदर ये गुड़ पहुंच जाएगा, क्या करना पड़ेगा आपको, हमारे ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, यानी हम आपको दे रहे फ्रेश क्वालिटी गुड़ 100 रुपए किलो के अंदर, तो यानी 5 किलो का हमारा बॉक्स है, एक 10 किलो का बॉक्स है, ये आपके घर के अंदर आ सकता है, फ्रेश और प्रीमियम गुड़ इस तरीके से बेचोगे। यूपी हरियाणा में बेचोगे शायद ना बिके, लेकिन अदर स्टेट में बेचोगे 100% बिकेगा। ठीक है, अब बात मैंने बता दी, इस तरीके से वीडियोस बना लो अच्छी अच्छी। भाई साहब अगर आपने फेसबुक पे 90 दिन दो दो वीडियो पर डे डाल दी, 180 वीडियो, मैं आपको बता रहा हूं आपको ऑर्डर इतने मिलेंगे आप पूर्ति नहीं कर पाओगे, रियलिटी बता रहा हूं पूर्ति नहीं कर पाओगे। ये बिजनेस की पावर है, गुड़ के बिजनेस की। अब बात इसमें एक चीज और भी आ जाती है कि सर चलो मार्केटिंग हमने कर ली, ऑर्डर कहां ले और लोगों तक भिजवाए कैसे। देखो ऑर्डर लेना व्हाट्सएप पे, एक व्हाट्सएप नंबर लिख के रखो, प्ले स्टोर पे जाओ, बिजनेस अकाउंट बना लो व्हाट्सएप का, और भाई साहब हो गया काम आपका। उस बिजनेस अकाउंट के अंदर आप लोगों का ऑर्डर रिसीव करना, एडवांस पेमेंट लो, लोगों के घर डिलीवर कराओ। ब्लू डार्ट की भी सर्विस है, DTC, वो क्या कहते हैं DTDC, एक कुरियर प्लेटफॉर्म है, बड़ा सस्ते में कर देते हैं पैकेजिंग। मैं कह रहा हूँ डिलीवरी का चार्ज भी वही देगा ना कस्टमर, देगा देते हैं भाई साहब, बिजनेस करते हैं ना सब चलता है, समझ लो मेरी बात। या ऐसा है प्राइस रख सकते हो कि उसमें डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड हो, तो कस्टमर को अदर पे ना करना पड़े, ये भी रख सकते हो, लेकिन पहले ही जोड़ लो, क्या दिक्कत है। मैं बता रहा हूं ये पूरी सेटिंग बनानी है, प्रोडक्ट बना के रख लो, मर्जी है बना के रख सकते हो, वरना जिसकी पेमेंट आए एंड टू एंड बना के फ्रेश प्रोवाइड कराते रहो। और मार्केटिंग बता दिए, प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होना है वो भी बता दिया, ब्रांडिंग बता दी, सब कुछ बता दिए, USP बच गई, अलग क्या करोगे। अलग आपका ये है कि आप उसमें लिखोगे 100% ओरिजिनल, सबसे बड़ी बात है। गुड़ अपने आप में ही USP है, इसकी कोई अलग USP नहीं होती, ये अपने आप में USP है। आप गुड़ बेच रहे हो, मार्केट में लोग नहीं बेच रहे, आप प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ बेचोगे 100% बिकेगा। 2-3 मॉडल वगैरह बुला सकते हो, हायर कर लो 500-1000 रुपए के अंदर, और अपने प्रोडक्ट के साथ फोटोशूट करा लो और प्रीमियम हो गए, इससे प्यारी बात क्या है। देखो न्यूज़पेपर में होल्डिंग्स में एडवर्टाइजमेंट मत देना, मार्केटिंग का रूल बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ब्रांडिंग करनी है फेसबुक पे। ठीक है, B2C बेचना है, कस्टमर तक बेचना, बिजनेस वालों को भी नहीं बेचना, ना दुकानों पे बेचना है, केवल B2C पे काम करना है, रिटेल में बेचना अपना ब्रांड बना के। अब बात इसमें आती है एंड में, सर लाइसेंस क्या क्या चाहिएगा। GST ले सकते हो, मर्जी है। दूसरी चीज, एक लोग कहते हैं सर फूड लाइसेंस चाहिएगा, ऑनलाइन बिजनेस करो, सच बताऊं ना आपको, पहले इतना लाइसेंस की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप Amazon वगैरह पे बेचते आपसे लाइसेंस मांगते, कस्टमर आपसे लाइसेंस नहीं, आपसे अच्छी क्वालिटी का गुड़ मांग रहे हैं, समझ लो मेरी बात, उसको लाइसेंस नहीं चाहिए आपसे, उसको गुड़ चाहिए। पहले मैं चाहता हूँ लाइसेंस लेना भी अच्छी चीज है, लेना चाहिए, लेकिन भाई साहब बताऊं पहले 10-20 पीस बेचो फिर लाइसेंस ले लो। लाइसेंस लेना क्या है, FSSAI ले सकते हो भाई साहब, ये अकेला लाइसेंस बहुत है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी लाइसेंस ले सकते हो, मर्जी है। GST, ये 3 लाइसेंस ले लो, आपका काम हो गया सच में। MSME लेना चाहते हो, मर्जी आपकी, एक MSME बता दिया, एक GST बता दिया, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला बता दिया, और एक मैंने बता दिया FSSAI फूड का जो लाइसेंस है। ये 4 लाइसेंस है, इनमें से 2-3 ले लो, काम हो गया, 4 ले लो और बढ़िया है, इनमें ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, सस्ते में काम हो जाएगा। अब बात आती है लाइसेंस भी बना लिए, सर ये फेल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब इसके फेल के बारे में सुनते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है। ये धंधा एक कंडीशन में फेल हो सकता है, बताऊं क्या वो कंडीशन, ये है कि अगर आपने इसके स्केलेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि B2C की एक लिमिट होगी, हद होगी। ऐसा होगा कि आपके 20,000 ऑर्डर पर डे जा रहे हो, लेकिन आपको 20 लाख से 20 लाख करना है, तो आपको B2B में उतरना पड़ेगा, आपको दुकानों पे बेचना पड़ेगा, उसके लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, समझो। अगर आपने छोटे प्रोडक्ट नहीं बनाए, आप अपना वो बड़ा सा जार लेके घूमते रहे, नहीं बिकेगा। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने छोटे पैकेट नहीं बनाए आने वाले टाइम में, B2C की तो डिमांड फुल कर रहे हो, लेकिन B2B के लिए आपने कुछ नहीं बनाया, फेल हो जाओगे बिजनेस। ये फेल तभी होगा, वरना कभी फेल नहीं हो सकता। दूसरी चीज इसमें ये गड़बड़ ये आ सकती है कि कई बार है ना, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड सर्दियों में होती है,
गर्मियों में इतनी डिमांड नहीं होती, कई बार सेल्स डाउन हो सकती है, तो आप ये मत सोचना अगर गर्मियों में सेल्स डाउन हो रही है कि भाई साहब ये चलता नहीं है, ये बिकता नहीं है, ऐसा मत सोचना। इसका मार्केट गया, सर्दियों में सबसे ज्यादा सेल होती है, पता होना चाहिए आपको, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके भाई साहब फायदे आपको मैं बताऊं, फायदा ये है क्योंकि इसको बनाने में इतनी कॉस्ट नहीं आती, आपको मार्केट से उठाना, यूपी हरियाणा में इतने लोग हैं और आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, चलने वाला बिजनेस है, करके देखो, घर से बेचो। देखो मेरी बात सुनो, 10 प्रोडक्ट बेचो ना यार, मैं कौन सा कह रहा हूं, 1,00,000 प्रोडक्ट बेचो। और अगर माइंडसेट ये है नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, जिस बंदे को लगता है गुड़ का बिजनेस नहीं चलेगा तो भाई साहब वो अपनी जगह ठीक है, और जिस बंदे को लगता है गुड़ का बिजनेस चलेगा नहीं उड़ेगा वो अपनी जगह ठीक है। तो भाई साहब जिसको जो लगता है लगने दो, बट मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, मैंने जिन लोगों को बिजनेस आइडिया बताया वे लोग कर रहे हैं और भाई साहब अपना पैसा कमा रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि फूड के बिजनेस में अगर 40-50% मार्जिन है इससे प्यारी बात कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को रेट से मतलब नहीं है। 500 रुपए किलो भी गुड़ बेचोगे ना लोग लेंगे, लोगों को एक चीज से मतलब है, वो क्या है कि आप उनको अच्छी क्वालिटी का गुड़ दो और धंधा शुरू करो। और मुझे कमेंट के अंदर बताओ, और भी बिजनेस आइडियाज अगर आपको मेरे चाहिए, मेरी ईबुक बनी हुई है 50 बिजनेस आइडियाज ईबुक, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सी यू सून।